हेलो गाइस, आज आपका ज्ञान पोर्टल फिर से आ गया है एक नए वीडियो के साथ लीड कोड की। और आज हम बात करने वाले हैं अपने क्वेश्चन एट टू नंबर सेकंड की। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं लीड कोड पे, और ये उसका हल्का सा वेरिएशन है। इसमें क्या है, आपको एक नॉन एम्प्टी लिंक्ड लिस्ट दी गई है, ठीक है? दो नॉन एम्प्टी लिंक्ड लिस्ट है और आपको सिग्निफिकेंट डिजिट कम्स आ रही है फर्स्ट पे, और ईच ऑफ देयर नोड कंटेन्स अ सिंगल डिजिट, ठीक है? एक सिंगल डिजिट निकालना है और आपको जो है एक लिंक लिस्ट को रिटर्न करवाना है ऐड करके दोनों लिंक लिस्ट को। और स्टार्ट कैसे हो रहा है कि जैसे 7 2 4 3, तो लिंक लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी। तो जो लिंक लिस्ट है ना, वो पॉइंट कर रही है लाइक दिस। अगर मैं आपको बताऊँ तो लिंक लिस्ट जो पॉइंट कर रही है यहाँ पे, वो पॉइंट कर रही है लाइक दिस कि आपका 7, देन 7 आपका जो है 2, देन आपका 4, देन आपका 3। तो लिंक लिस्ट ऐसे जा रही है, ठीक है? और अगर हम जानते हैं कि ऐड करने के लिए हमें जो है स्टार्टिंग वाले से ऐड करना पड़ता है, ठीक है? ऐसे तो हम ऐड नहीं कर सकते। ओके गाइज, तो हमें जो है यही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जो है रिवर्स करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा। और रिवर्स करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिवर्स करने के लिए हम स्टैक यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, हल्का सा वेरिएशन है और हल्की सी चीज़ें हमें सॉल्व करनी है, तो साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं यार। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, स्टैक बनाएंगे। दो स्टैक बना ली मैंने, S1 और S2 मैंने स्टैक बना ली। और मैंने क्या करा, एक वाइल लूप लगाया। वाइल लूप में मैंने जो है L1 को चलाया और स्टैक में पुश करता गया। और L1 को मैंने जो है पॉइंट कर दिया टू द नेक्स्ट, ठीक है? सिमिलरली जो है मैंने क्या करा, L2 के लिए भी ऐसे ही करा। सिमिलरली L2 के लिए भी मैंने, तो सिमिलर जो है मैंने L2 के लिए भी ऐसे ही कर दिया। यहाँ पे जो है स्टैक S2 आ जाएगी, ये L2 आ जाएगा, ये भी L2 आ जाएगा और ये भी L2 आ जाएगा, ठीक है? और ये मैंने दोनों को जो है स्टैक में डाल कर मैंने अपनी जो है कैरी ले ली। कैरी इक्वल्स टू 0 ले लिया, एक फर्स्ट ले लिया, एक सेकंड ले लिया नंबर्स के लिए जो हम ऐड करने वाले हैं। और एक मैंने लिस्ट नोड बना ली अपनी हेड पॉइंटर की, जिसको मैंने इनिशियली नल दे दिया। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो है एक वाइल लूप चलाऊंगा अपना S1 डॉट एम्प्टी और S2 डॉट एम्प्टी और अपना जो है कैरी। तो ये मेरा जो है इतना काम करने के बाद मैंने वाइल लूप में, अगर मेरा जो है ये एम्प्टी नहीं होता, अगर S1, अगर मेरी स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो स्टैक एम्प्टी नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं भाई मैं फर्स्ट में S1 के टॉप को स्टोर करवा लूँगा और S1 को पॉप करवा दूँगा। एल्स हमारा फर्स्ट जो है वो रहेगा 0। सिमिलरली इसे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि यही मुझे चाहिए। और ऐसे ही मैंने जो है अपने इसके लिए करवा लिया, S2 स्टैक के लिए करवा लिया, और इसको मैंने स्टोर करवाया सेकंड वेरिएबल में, ठीक है? और दोनों को स्टोर करवाने के बाद, जब हम दोनों को स्टोर करवा लेंगे, तो अब हमारा काम क्या रह जाएगा, अब हमारा काम बेसिकली रह जाएगा इंटर टेम्प में। मैंने क्या करा, इंटर टेम्प में अपने जो है एड ऑन करा फर्स्ट को, मतलब नंबर पहले बना लिया मैंने, सेकंड को और कैरी को। और इसके बाद मैंने लिस्ट नोड, एक नोड बना के न्यू लिस्ट नोड में अपने टेम्प को स्टोर करवा लिया, और नोड के
नेक्स्ट को इनिशियली कर दिया हेड जो कि हमारा नल है, और हेड को चेंज कर दिया नोड पे कि भाई अब हमारा हेड जो है वो नोड हो जाएगा फिर से। और कैरी निकालने के लिए मैंने कहा कि भाई टेम्प को डिवाइड कर दे 10 से, और इसे मैं मॉड्यूलो ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने हेड रिटर्न कर दिया। तो गाइस चला के देखते हैं, और ये हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। और दोस्तों आज का हमारा डेली लीड कोड चैलेंज कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग भी जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए, और यार वीडियो को सब्सक्राइब करना।